नमस्कार, आज मैं आप लोगों को एचआरएमएस में अपना ऑफिस ऑर्डर जो आप इशू करते हैं एज डीलिंग क्लर्क, उसका स्टेटस क्या है, आज तक आपने कितने ऑफिस ऑर्डर इशू किए हैं और उस ऑफिस ऑर्डर को आपने सेव ए ड्राफ्ट किया है या आगे फॉरवर्ड किया है, वो सारी स्टेटस कैसे जान पाएंगे आप, इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे काम है, आई डीलिंग ट्रक, कभी प्रमोशन, कभी एमएससीपी, कभी फिक्सेशन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप समय पर उनको याद नहीं रख पाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपने वास्तव में ऑफिस ऑर्डर आपने फॉरवर्ड किया वेरिफिकेशन अथॉरिटी को या नहीं फॉरवर्ड किया। ये फॉरवर्ड कर दिया तो वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने क्या उस ऑफिस ऑर्डर को निकालने के लिए अपने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड किया या नहीं किया, ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं। उसके लिए इस में प्रावधान है एचआरएमएस में कि आप अपने ऑफिस ऑर्डर की करंट स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा आपके स्तर पे जो पेंडिंग है, या तो हो सकता है आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने रिटर्न कर दिया हो, या वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने रिटर्न कर दिया हो, या हो सकता है सेव ए ड्राफ्ट हो आपके पास और आपको नहीं मालूम, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके हेड पे कौन से ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग है जो कि आपको प्रोसेस करनी है। आप डुप्लीकेट वही काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। एचआरएमएस आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप ऑफिस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑफिस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे एक और ऑप्शन है ऑफिस ऑर्डर समरी। इस ऑफिस ऑर्डर समरी पे क्लिक करने पर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपके हेड पे कौन सी चीज पेंडिंग है और आपने अभी तक कितने ऑफिस ऑर्डर इशू किए हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है। वर्तमान में एचआरएमएस में जितने भी ऑफिस ऑर्डर इशू हुए हैं पूरे डिवीजन में, वो सारे ऑफिस ऑर्डर आपको दिखाई पड़ेंगे, उनका स्टेटस दिखाई पड़ेगा। परंतु आपके हेड पे जो आपकी आईडी में पेंडिंग है उसी को आप प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे ऑफिस ऑर्डर आप सिर्फ देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है। जैसे समरी पे क्लिक किया, ऑफिस ऑर्डर पे समरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक पेंडिंग विथ मी और दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका ऑल ऑफिस ऑर्डर्स। पेंडिंग विथ मी पे जैसे आप विथ मी पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद गो किए, जैसे आपने गो किया आपके पास ऑफिस ऑर्डर का स्टेटस आ गया। ये कहां पे है, देखिए ऑलरेडी ड्राफ्ट मोड पे सेव है, यहां पे आप प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कहने का आप ऑफिस ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहीं पर जो दोबारा देखेंगे आप ऑल ऑफिस ऑर्डर पे, ऑल ऑफिस ऑर्डर पे जैसे आपने क्लिक किया आपके पास पूरे ऑफिस ऑर्डर दिखाई देने लगे, परंतु यहां पे जितने भी देखिए, यहां पे जितने भी दिख रहे हैं यूजर आईडी आपकी नहीं है यूजर आईडी, इस कारण से आप इन पे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पे लास्ट में प्रोसेस नहीं आ रहा है, कहने मतलब है कि आप ऑफिस ऑर्डर दूसरे ऑफिस ऑर्डर देख सकते हैं कहां पर है, कैसे, किस स्टेज पे है, परंतु आप उस पर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। हम यहां देखेंगे इस ऑफिस ऑर्डर को, देखिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया, कब किया गया, किस यूजर द्वारा किया गया, उसी तरह से वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने कब किया और आपके डीलिंग क्लर्क ने कब किया, ये सारा स्टेटस आपको इस ऑफिस ऑर्डर समरी पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आपको ये समझाना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ऑफिस ऑर्डर आपने सेव ए ड्राफ्ट मोड कर लिया है और आपको नहीं पता है, तो यहां पर जाकर आप उसकी स्टेटस देख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके सुपरवाइजर ने या ऑफिसर ने आपको डाटा रिटर्न कर दिया है तो आप यहां से जाकर प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाया है आपको समझ में आ गया हो कि आपको ऑफिस ऑर्डर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।